गुड आफ्टरनून, हमारे ईएसएन स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके पहले पिछले वाले कक्षाओं में पीएनपी एनपीएन ट्रांजिशन की वर्किंग के बारे में बताए थे। अब की बार हमको पढ़ना है सब इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फ्लो ऑफ करंट इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में बहने वाली धारा से संबंधित कुछ टर्म को पढ़ना है। जैसे हमने फिगर में एक ड्राफ्ट करा दिए हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, इसको मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया है, इसको रिवर्स बायस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एमिटर करंट बह रहा है, यहाँ पे ऐसे एमिटर करंट, यहाँ से पी में मेजोरिटी है, मेजोरिटी हमारी चार्ज है, कहीं लीजिए होल की डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है, तो हमारा हो जाएगा आई क्यू, हो जाएगा होल डायरेक्शन में, ठीक है। और कुछ हमारा कंबाइन होने के बाद इलेक्ट्रॉन के साथ फिर हो जाएगा इधर चला जाता है आई, हो जाएगा आई सी पी, आई सी पी करंट हमारा हो जाएगा कलेक्टर में पहुंच गया, ठीक। अब यहाँ से कुछ जब इलेक्ट्रॉन हम निकलते हैं, उसके पहले कक्षा मैंने बता रखे थे कि यहाँ से जो बेस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे एमिटर में आते हैं, उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन हमारा करंट फ्लो हो जाता है, इसी करंट हमारा करंट हो जाएगा आई ई एन, इलेक्ट्रॉन के कारण हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो लीकेज, जो हमारा करंट होता है लीकेज करंट, रिवर्स बायस में कलेक्टर जंक्शन में मैग्नेटिक करंट के नाते होता है, उसमें हम इंजेक्शन जो है कलेक्टर जंक्शन है हमारा एमिटर जंक्शन है, इसमें क्या होता है कलेक्टर जंक्शन में थर्मल वाइब्रेशन के नाते हमारा लीकेज करंट फ्लो होता है, जैसे आई ई पी मैग्नेटिक करियर में भी आई ई एन, वो टोटल करंट हमारा होता है आई सी यू, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होते हैं, इसे एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, एमिटर कितना इंजेक्ट कर रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, जैसे आप लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट बटे इनपुट होता है, उसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि टोटल हमारी करंट किया है आई जा रहा है, ठीक है। इस एमिटर जंक्शन को क्रॉस करके, जो एमिटर जंक्शन है क्रॉस करके, तब कह सकते हैं कि एमिटर जंक्शन को क्रॉस करके एमिटर की मेजॉरिटी करीब करंट, एमिटर करंट जो फ्लो हो रहा है उसको वोल्टेज करंट हो जाता है आई पी, और जो टोटल हमारा एमिटर करंट है उसका कह सकते हैं आई पी और आई ई का जो रेशियो होता है उसको एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी कहते हैं। ले भी सकते हैं आई ई पी बटे का आई ई, जहां पे हमारा क्या है आई बराबर आई ई पी प्लस आई ई एन होता है, ये हमारा किसके लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, इसको हम लिख सकते हैं फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर पीएनपी। उसी प्रकार हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए देखा जाए, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगा आई ई एन के नाते इलेक्ट्रॉन के कारण इसे करंट फ्लो होता है अपॉन आई टोटल करंट, ये हो गया ऐसे। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, कर गया यहाँ हो गया ऐसे। उसके बाद दूसरा हमारा जो टर्म होता है उसको कहते हैं बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर मतलब यह है कि जो बेस है, बेस अमीटर से आई हुई मेजोरिटी कैरियर को बेस कलेक्टर जैसे को पास करके कलेक्टर में कितना पास करता है उसकी, उसको हम कहते हैं बेस ट्रांसफर फैक्टर, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, इसे हम लोग बीटा स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां से देखना है कि जो अमीटर से आए हुए मेजोरिटी कैरियर जो हमारे बेस में पहुंचते हैं, बेस क्या करता है उसको ट्रांसफर करता है कलेक्टर की ओर, कह सकते हैं जो कलेक्टर जंक्शन पे बेस द्वारा ट्रांसफर किए गए मेजॉरिटी कैरियर के कारण जो कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं आई सी पी, तथा जो एमिटर जंक्शन पे एमिटर कैरियर के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कह रहे हैं आई ई पी, उसका रेशियो माने आई सी पी और आई ई पी का रेशियो कहेंगे हम लोग बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, इसे बीटा स्टार से डिनोट करते हैं, इसको लिख सकते हैं आई ई पी। किसके लिए हो गया ये हमारा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, फॉर पीएनपी। नेक्स्ट देखते हैं फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हो जाएगा बेस ट्रांसफर फैक्टर बीटा स्टार बराबर आई सी एन अपॉन आई ई एन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा एक पॉइंट होता है उसे कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बारे में बता रहे हैं आप। एम्पलीफिकेशन जैसे आप जानते हैं ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, उसको इनपुट में कितना हमने करंट दिया और कितना आउटपुट भी हमको एम्पलीफाई करके मिला, उसको जो होता है उसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बता रहे हैं आपको, अल्फा से डिनोट करते हैं, लिखिएगा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। यहां देखते हैं कि जो
करंट एमिलिटेशन फैक्टर अल्फा बराबर क्या होगा, यहाँ देखते हैं कि कलेक्टर जंक्शन है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि एमिटर जो करंट फ्लो कर रहा है, मैंने कह सकते हैं एमिटर मेजोरिटी कैरियर के कारण, एमिटर मेजोरिटी कैरियर के कारण जो है कलेक्टर जंक्शन पर एमिटर के कारण जो बहने वाली धारा, एमिटर कैरियर के द्वारा बहने वाली धारा होता है आईसीपी, आईसीपी तथा जो एमिटर करंट जो आई दे रहे हैं हम लोग, कह सकते हैं आईसीपी और आई के जो रेशियो हो जाएगा हम उसको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहेंगे, इसे हम लिख सकते हैं आई पी, ठीक है। उसके बाद इसे हमारा हो गया किसके लिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, क्योंकि मेजोरिटी होल होते हैं, होल हो गया पी डिनोट कर रहा हमारा, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हमारा हो गया अल्फा की वैल्यू। इसके बाद अल्फा की वैल्यू हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के लेते हैं, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा बराबर आई सी एन बट्टे का आई पी, इसको नोट डाउन अप कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है धारा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कितने करंट फ्लो होते हैं ट्रांजिस्टर में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको नहीं, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं रिलेशन पढ़ लेते हैं, सॉरी इसके बाद रिलेशन हम लोग पढ़ लिया करते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा गामा और बीटा डैश में, तो लिखिएगा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, ये गामा है इसको कहते हैं एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, एंड बीटा स्टार इसको कहते हैं बेस ट्रांसफर फैक्टर, एंड अल्फा इसके बीच में हमको कोई रिलेशन देखना। तो हम लोग जानते हैं जो गामा एमिटर एफिशिएंसी जो होती है, गामा क्या होता है, आईईपी बटे का होता है आई टोटल करंट, ठीक, और बीटा बेस ट्रांसफर फैक्टर बीटा स्टार की वैल्यू हो जाता है आई सी पी बटे का आई ई पी, और अल्फा बराबर हमारा होता है आई सी पी अपान आई ई, ठीक। तब यहां से हम लोग क्या करेंगे, आई सी पी की वैल्यू यहां निकाल लेंगे यहां से इक्वेशन से, तो यहां से निकल के आएगा आई सी पी, सॉरी आई सी पी इक्वल हो जाएगा बीटा स्टार इंटू आई ई पी, इसे यहां हो गया। उसके बाद ये जो आईसीपी की वैल्यू है इस वाले में अल्फा बराबर आईसीपी बटे आई, आईसीपी जो वैल्यू है आईसीपी यहां रख देंगे हम लोग, तो हमारा रिलेशन पता चल जाएगा। यहां भी तो दिखा देते हैं, यहां से देखिएगा अल्फा बराबर हो जाएगा इसकी वैल्यू, आईसीपी की वैल्यू हमने रख दिया इसमें, यहां लिख देंगे बीटा स्टार आई ई पी अपॉन हो जाएगा क्या आई है, आई हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां हो जाएगा ऐसे मेरा बीटा स्टार इंटू आई ई पी अपॉन आई ई, इसका रेशियो हो जाता है ये एमिटर इफिशियंसी के रेशियो हो जाता है, एमिटर इंजेक्शन इफिशियंसी कह सकते हैं हम लोग ए, इसके बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर, फिर इसके जगह हम एमिटर की वैल्यू लिख देंगे जो एमिटर इफिशियंसी जो फैक्टर हमारा इंजेक्शन गामा बराबर ए वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, एमिटर इंजेक्शन इफिशियंसी गामा की वैल्यू है ना ये आई पी बटे आई ई, इसको हम लिख सकते हैं फिर बीटा स्टार इसके जगह हम लिख दिया गामा ऐसे, ठीक है। तो अल्फा हो गया बीटा स्टार एंड गामा की रेशियो हमको पता चल गया, ठीक है। अब यहां पे जानते हैं जो गामा की जो वैल्यू होती है, जो गामा की वैल्यू होती है वो होता है 0.98 से लेकर के 0.99 तक होता है, या कह सकते हैं गामा इज लेस देन 1, एक से कम होता है, ठीक, एक से कम होता है। बीटा की जो वैल्यू होती है, बीटा स्टार की वैल्यू जो होती है ये भी होता है इसकी वैल्यू 0.995, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं बीटा स्टार इज लेस देन 1 से कम होता है, लेस देन 1 मतलब 1 से कम होता है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर, करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर, करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर। करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ठीक है। अब देखते हैं करंट हमारे जो फ्लो होते हैं ट्रांजिस्टर में, तीन तरह के करंट फ्लो होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक कैरियर के द्वारा होता है, इसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। एक करंट हमारा होता है मैग्नेटिक कैरियर के कारण, इसे हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। और एक हमारा क्या होता है रिकम्बिनेशन करंट, जो होता है ओनली बीजेटी में ही होता है रिकम्बिनेशन करंट। पहला होता है मेरा डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट किसके कारण होता है मेजोरिटी कैरियर के कारण। क्योंकि मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर मेजोरिटी आप होल होते हैं, तो होल के कारण करंट फ्लो हो जाता है, इसलिए इसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और एनपीएन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी आप, इसलिए उस मेजोरिटी उसकी होती है इलेक्ट्रॉन की, इसमें लेते हैं मेजोरिटी जो रिटी कैरियर ठीक। उसके बाद दूसरा करंट हमारा जो फ्लो होता है ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होता है माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, माइनॉरिटी कैरियर ठीक है। तीसरा जो हमारा करंट होता है उसको कहते हैं रिकम्बिनेशन करंट, रिकम्बाइनेशन करंट ठीक है, इसको कह सकते हैं आप बेस करंट कहते हैं, बेस करंट भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर केवल ओनली किसमें होता है, ओनली इन बीजेटी में होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारा होता है रिकम्बिनेशन करंट या बेस करंट फ्लो होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन लीकेज करंट, ये टेम्परेचर जो हमारे ट्रांजिस्टर जो लीकेज करंट फ्लो होते हैं उसकी टेम्परेचर पे क्या प्रभाव है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है लीकेज करंट पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लीकेज करंट का टेम्परेचर पे प्रभाव डाल लीजिएगा, लीकेज करंट का टेम्परेचर पे प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लीकेज करंट लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लीकेज करंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लीकेज करंट, लीकेज करंट पर टेम्परेचर का प्रभाव। जैसे हम लोग जानते हैं लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट रिवर्स बायस में कलेक्टर जंक्शन पे मैग्नेटिक कैरियर के कारण होता है। जैसे क्या होता है कलेक्टर जंक्शन पे क्या होता है कि थर्मल वाइब्रेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारे मैग्नेटिक कैरियर फ्लो होने लगते हैं और हमारा एक रिवर्स सैचुरेशन करंट कह सकते हैं, लीकेज करंट फ्लो होता है। लीकेज करंट हमारा क्या होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ठीक है। जैसे जानते हैं कि पर डिग्री सेल्सियस मानते हैं हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस समय हमारा जो लीकेज करंट हमारा होता है IC0 वो 7% तक बढ़ता है, इंक्रीज होता है ठीक है। जैसे ही हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो हमारी जो लीकेज करंट है IC0 डबल हो जाती है, डबल हो जाता है, दुगना होने लगता है ठीक है, दुगना हो जाता है ठीक। इसके पर हम जानते हैं जो IC0 को किस नाम से जानते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग, जो IC0 है रिवर्स जो लीकेज करंट है इतने नाम से जानते हैं, इसको मैं मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे, हम डाउन कर लीजिएगा। IC0 को हम कहेंगे कलेक्टर सैचुरेशन करंट कहेंगे, ठीक है, या कह सकते हैं IC0 को कलेक्टर लीकेज करंट, कलेक्टर लीकेज करंट कहेंगे, और या कह सकते हैं इसको थर्मली
जेनरेटेड करंट, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इसलिए इसको थर्मली जनरेटेड करंट कहेंगे, या इसको कह लेंगे हम लोग मैग्नेटिक कैरियर करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट। ठीक है, इतने नाम से इसके जानते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है अगले दिन मिलेगा आपको। आपको आशा करता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।